अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर अकबाल केबीआर न्यूज़ में आपका खैर मुकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दावत इफ्तार का इंतजाम। शहर के खिला रोड पर वाक़ क्लासिक फंक्शन हॉल में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया। इस दावत इफ्तार प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इनके अलावा तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी तारिक अंसारी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एस ए अलीम, नूडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर के अलावा टीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस व बबलू खान और टीआरएस लीडर इमरान शहजाद ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सदर मोहम्मद अब्दुल शुकुर ने अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता और रेडको चेयरमैन एस ए अलीम की शालपोशी करते हुए उन्हें गुलहाए पेश किए। जमीयतुल उलमाए सदर निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लई खान ने वक्त इफ्तार दुआ की और मोहम्मद अब्दुल शुकुर मोहम्मद अफजल तेजान ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल शुकुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की वजह से आवाम को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कोरोना वबा में बहुत से कीमती लोग खो देने की बात बताई। इसके अलावा एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का करम है कि पिछले 2 साल से हम करोना के वबा की वजह से बड़े बड़े थे, इस वजह से भी जो है कहीं पर से मौके नहीं थे कि ऑर्गेनाइज करने के, लिहाजा अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद कई लोगों को जाने की कुर्बानी देने के बाद, कई लोग सौदा होने के बाद अल्लाह ताला इस रमज़ान का और लोगों का इस तरह इस्तेमाल करने का। इसमें आज सबसे पहले शहर इस्लामाबाद की सीनियर सिटीजन सोसाइटी ने सबसे पहले आज इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया है। दावत इफ्तार में अली जनाब गणेश गुप्ता साहब उनका चेयरमैन और रेडको चेयरमैन अजीब साहब और सारे जिम्मेदारान के अलावा कसीर तदाद में सीनियर सिटीजन्स और शहजान निज़ामबंद में शिरकत की। इन तमाम का सही से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला सबको जो है खुश हमेशा खुशम रखे और हमारी सोसाइटी को दिन दूनी रात तरक्की अता फरमाए ताकि हर साल इसी तरह हम दावत इफ्तार भी करते रहें और लोगों की खिदमत भी करते